एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम बिल्लू था। वह बहुत लालची था। एक दिन वह अपने खेत में खेती कर रहा था। अरे यार, मैं तो थक गया ये खेती कर करके। ये खेती करके कुछ ज्यादा मुनाफा तो होता नहीं है। पता नहीं मैं कब अमीर इंसान बनूंगा। तभी आसमान से बहुत तेज आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? ये कौन है? तभी किसान को आसमां में उड़ता हुआ एक हाथी दिखाई देता है। अरे ये तो हाथी है। ये कैसे हो सकता है? ये हाथी आकाश में कैसे उड़ रहा है? अवश्य ही ये कोई जादुई हाथी लगता है। इसका पीछा करता हूँ। फिर बिल्लू उसका पीछा करता है। वह उसके पीछे भागने लगता है। तभी हाथी उड़ता हुआ जंगल में किसी जगह पर उतरता है और खाने की तलाश में चलने लगता है। तभी बिल्लू वहां पहुंच जाता है और बहुत हैरानी के साथ उसे देखता है। ये अवश्य ही स्वर्ग से आया होगा। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो इसे बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मुझे इसकी मुंह वाली कीमत मिलेगी। तभी हाथी फिर से उड़ने की तैयारी करने लगता है। अरे ये क्या, ये तो फिर से उड़ने वाला है। इसे मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। तभी बिल्लू भागता है और हाथी की पूंछ पकड़ लेता है और हाथी वापस आकाश में उड़ जाता है। अरे मर गए रे, ये तो उड़ता उड़ता बहुत ऊपर आ गया। अगर मैं यहाँ से गिर गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। हे भगवान, मुझे बचाओ। फिर वह जादुई हाथी उड़ता उड़ता बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और कुछ ही देर में स्वर्ग में पहुंच जाता है। अरे वाह, ये तो स्वर्ग लगता है। मेरा अंदाजा सही निकला, ये हाथी स्वर्ग से ही आया था। फिर हाथी नीचे उतर जाता है और बिल्लू उसकी पूंछ छोड़कर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और हाथी आगे बढ़ जाता है। अच्छा हुआ हाथी ने मुझे देखा नहीं, नहीं तो मेरी शामत आ जाती। फिर बिल्लू उस जगह को देखने के लिए आगे चल देता है। वाह, उसे बहुत बड़े बड़े सोने चांदी और हीरे से बने पत्थर दिखाई देते हैं। अरे वाह, ये तो सोने चांदी से बने हुए हैं। मेरी तो लॉटरी ही निकल गई। कुछ पत्थर अपनी झोली में भर लेता हूँ। फिर वह वहां से कुछ पत्थर उठा लेता है। अरे यार, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। मैं अकेला इन्हें यहाँ से कैसे लेकर जाऊं? इन्हें यहाँ से लेकर जाने के लिए तो बहुत सारे आदमियों की जरूरत पड़ेगी। एक काम करता हूँ, वापस धरती पर जाकर कुछ लोगों को अपने साथ लाता हूँ। फिर वह इधर उधर देखता है और परेशान हो जाता है। अरे यार, मैं यहाँ आ तो गया हूँ लेकिन वापस कैसे जाऊं? वह कंबख्त हाथी कहाँ गया? फिर वह इधर उधर हाथी की तलाश करता है और कुछ ही देर में उसे हाथी दिख जाता है। वह भाग कर जाता है और फिर से उसकी पूंछ पकड़ लेता है। हाथी फिर से आकाश में उड़ जाता है और कुछ ही देर में धरती पर पहुंच जाता है। बिल्लू हाथी की पूंछ छोड़कर सीधा अपने गांव की तरफ भागता हुआ जाता है और अपने दोस्तों को जादुई हाथी और स्वर्ग के खजाने के बारे में बताता है। अरे भाई कल्लू, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, आज मेरे हाथ कितना बड़ा खजाना लगा है। मैं ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ इतने बड़े बड़े सोने चांदी से बने पत्थर हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर हम उन पत्थरों को यहाँ धरती पे ले आए तो हम इस धरती के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। अच्छा भाई, ऐसी कौन सी जगह है? हमें भी तो उसका नाम बताओ। भाई उस जगह का नाम है स्वर्ग। क्या नाम बताया? स्वर्ग। अच्छा भाई, और तुम स्वर्ग गए कैसे? भाई एक जादुई हाथी पे जिसके पंख लगे हुए थे। अरे भाई, लगता है तुमने कोई भांग पी ली है जो ऐसी बातें कर रहे हो। जाओ जाओ, अंधेरा होने वाला है। जाओ और अपने घर जाकर सो जाओ।
अरे यार कल्लू, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो यार। टीटू, तुम ही कल्लू को समझाओ कि मैं सही कह रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं कल्लू भाई, मेरे पास जो भैंस है ना, वो भी उड़ सकती है। ठीक है, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन सिर्फ एक बार मेरे कहने पर। कल मेरे साथ चलो और खुद अपनी आंखों से देख लेना। ठीक है भाई, तुम इतना बोल रहे हो तो हम कल सुबह होने पर अवश्य तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर वह तीनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। अगले दिन सुबह होने पर बिल्लू कल्लू के घर जाता है। अरे भाई कल्लू, कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आओ, जादुई हाथी के आने का टाइम हो गया है, जल्दी चलो नहीं तो वह हमारे हाथ से निकल जाएगा। हाँ ठीक है, हम टीटू के घर चलते हैं, उसे भी अपने साथ ले चलेंगे। फिर वह टीटू को अपने साथ लेकर चल देते हैं। यार बिल्लू, एक बात बताओ, वहां कितने बड़े सोने के पत्थर मिलेंगे? बिल्लू अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोलता है, इतने बड़े बड़े। इतने बड़े बड़े, ठीक है फिर चलो। फिर वह तीनों मिलकर उस जादुई हाथी की तलाश में चल पड़ते हैं। वह चलते चलते जंगल पहुंच जाते हैं। अरे भाई बिल्लू, अब तो हम चलते चलते जंगल पहुंच गए, तुम्हारा जादुई हाथी कहाँ है? अरे भाई, जादुई हाथी को छोड़ो, मुझे तो डर है कि जादुई हाथी की जगह कोई शेर ना मिल जाए। अरे भाइयों, मेरा विश्वास करो, कुछ नहीं होगा, हम थोड़ी देर यहीं इंतजार करते हैं। वह जादुई हाथी कल भी मुझे यहीं दिखाई दिया था, हो सकता है आज फिर से वह इसी जगह पे उतरे। फिर थोड़ी देर इंतजार करने पर उन्हें आसमां से जोर जोर से हाथी के चिंघाड़ने की आवाजें आती हैं। अरे ये कैसी आवाजें हैं, लगता है कोई भूत प्रेत है। अरे मर गए रे, मुझे तो पहले ही विश्वास था कि ये बिल्लू एक ना एक दिन हमें मरवा के ही छोड़ेगा। अरे यार डरो नहीं, ये उस जादुई हाथी की आवाज है, शोर मत मचाओ नहीं तो वह डर जाएगा और यहाँ नहीं उतरेगा। फिर वह हाथी उड़ता उड़ता जमीन पर आ जाता है। देखो भाइयों, अपनी आंखों से देख लो, मैंने सही कहा था ना। अरे दैया रे दैया, ये तो सच में कोई जादुई हाथी है। चलो सब मेरे पीछे पीछे चलो, हम सब भागकर इसकी पूंछ पकड़ लेंगे। अरे भाई तुम पागल हो गए हो क्या, जो इसकी पूंछ पकड़ने की बात कर रहे हो, अगर उसने पलट के देख लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं पहले भी इसकी पूंछ पकड़ कर ही स्वर्ग गया था, चलो सब मेरे पीछे पीछे चलो। फिर वह सब धीरे धीरे जाते हैं और बिल्लू हाथी की पूंछ पकड़ लेता है। जैसे ही बिल्लू हाथी की पूंछ पकड़ता है, तभी हाथी डर जाता है और उड़ने लगता है। बाकी लोग एक दूसरे की टांगे पकड़ लेते हैं। अरे मर गए रे, ये हाथी तो सच में उड़ने लगा। अरे टीटू भाई, नीचे मत देखना, हम बहुत ऊंचाई पे हैं, अगर यहाँ से गिर गए तो हमारा कचूमर निकल जाएगा। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। बिल्लू भाई, एक बार फिर से बताओ ना, स्वर्ग में कितने बड़े बड़े सोने के पत्थर मिलेंगे? इतने बड़े बड़े। जैसे ही बिल्लू अपने हाथ छोड़ता है, वह सारे जमीन की ओर गिरने लगते हैं। अरे मर गए रे, अबे मूर्ख कल्लू, स्वर्ग जाकर खुद नहीं देख सकता था क्या कि वहां कितने बड़े बड़े सोने के पत्थर मिलेंगे? बिल्लू से पूछना जरूरी था क्या? हे भगवान हमें बचाओ। फिर वह सारे के सारे एक पानी से भरे तालाब में आकर गिरते हैं। अरे मर गए रे, अरे मर गए, अरे मेरी कमर, अरे बहुत दर्द हो रहा है, हे भगवान मैं तो मर ही गया। मोरल, लालच बुरी बला है, हमें पहले से ही किसी भी चीज का ज्यादा लालच नहीं करना।